आ, अब हम अपने सेगमेंट शुभे के इज़ारे की तरफ चलते हैं आपका सेगमेंट माशा रोज़ रोज़ मशहूर हो रहा है लोग आपके जवाब के मुंतजर होते हैं बहुत, बहुत, बहुत इस्तफा करते हैं आज का सवाल भी जो है वो अपनी नोयीत का एक सवाल है एक साहब ने यह सवाल हमें लिख के भेजा है कि अल्लाह ताली सूर्य मुल्क में फरमाते हैं वाला क़ैय न समा दुनिया भी मसाबी है वजालना रुजू मल्य शयातन के हमने आसमानों के ज़रिए आसमान दुनिया को जीनत बख्शी और इसका एक मकसद ये भी है कि हम शयातन को ये सितारे मारते हैं तो जैसे कि आता है कि शैतान को सितारे मारते हैं ताकि वो आसमानी खबरें का ना उचक लें और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि हदीस मुबारक में ये फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब रमज़ान की पहली रात शुरू होती है तो सफ सफादत शयातिन के अल्लाह ताला जो है वो शयातिन को बंद कर देते हैं उनको चेंस लग जाती हैं उनको हथकड़ियाँ लग जाती हैं फिर निकल नहीं सकते तो गोया कि रमज़ान में शयातिन बंद और मकसद जो है सितारों के छूटने का ये है कि शयातिन को मारा जाए तो कहते हैं कि अब हम देखते हैं, ये हैं और कई मोतबर शख्सों ने और कहते हैं मैंने खुद भी ये देखा है कि रमजान में भी ये सितारे छूटते हैं तो अब क्यों छूटते हैं जब ये छूटते हैं शयातीन को मारने के लिए तो शयातीन तो है नहीं।, नहीं अब, अब इसलिए कहते हैं कि हजरत क्या फरमाते हैं इस बारे में तो थोड़ी कन्फ्यूजन हो गई वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें शुक्रिया बड़ी दूर का असल पहली बात तो एक ठीक है वो वजुमल शयाती शयातीन को मारने के लिए जो है वो सितारे हैं लेकिन इसी आयत में वो भी तो बता दिया दी जयनमसावी भी बता दी वाल जयन समी मसाबी के जीनत के लिए भी वही सितारे हैं जी जी आसमान की जीनत के लिए हमने जो है उन सितारों को पैदा किया तो गया कि सितारों का एक मकसद खुद जीनत भी साबित हो रहा है ना हाँ सुबह है जीनत भी साबित हो रहा है और रुजूम भी साबित हो रहा है तो खुद आयत के अंदर ही वाजे कर दिया अल्लाह ने तो जीनत भी इसका मकसद है और रुजूम भी इसका मकसद है तुम को जो टूटते हैं वो तो रुझू के लिए जो नहीं टूटता तो वो जीनत के लिए होगा वन सबको टूटना चाहिए सबको सब सब को ही नहीं टूटते एक बात तो ये और दूसरी बात यह कि देखो पानी पीने के लिए होता है लेकिन इससे और काम भी कितने लिए जाते हैं अब आपके यार पानी पीने के लिए आप पानी से यार जूता धो रहे हैं <laughs> तो पानी पीने के लिए किसी और भी तो काम लिए जाते हैं तो या तो हसर हो उसके अंदर पानी पीने ही के लिए है या अगर हो जाता तो फिर हम कहते हैं पानी से कपड़े ना धोएं आप हाँ। है? पानी से आप ये फलांची ना धोएं तो ही नहीं है भी है भी है।, है भी है तो पानी पीने के लिए भी है ज़्यादा नहाने धोने के लिए भी है बिल्कुल इसी तरीके से कुरान में अल्लाह ने रुजूम शयातीन का कि शयातीन को मारने के लिए है मारने के लिए ही है ही का जिक्र नहीं है यहाँ यानी हसर नहीं कर दिया अल्लाह ने जी कि ये सिर्फ रुजूम ही के लिए है तो ये अगर होता तो हम फिर कोई एतराज़ करते हाँ रुजूम का काम भी लिया जाता है इनसे लेकिन और भी बहुत से काम हैं वो काम लिए जाते और कितने ऐसे असबाब तबिया हैं जो लिए जाते जैसे मैंने बताया आयत ही अल्लाह ने जीनत का लफ्ज पहले ही कह दिया जीनत के लिए भी हमने बना रखे हैं जी ठीक है न एक बात और दूसरी बात यह है कि यह कहना कि रमजान के अंदर जो है वो हमने देखा है कि बंद कर दिए जाते हैं और वापस रमजान में फिर भी वो गिरते हैं बिल्कुल तो जरूरी नहीं कि वो इनको रजम के लिए गिर रहे हो हाँ। मैंने जैसे बताया कि वो रुझू यातीन ये ही नहीं है हाँ। कि मारने ही के लिए तो फेंके जाते हैं हो और अमूरे तबिया हो और फल के निजाम की जरूरत हो जिसके तहत फेंके जाते हो आ, या या तो वो साबित करें कि और कोई ऐसा नजम नहीं है लिहाजा फेंकेंगे तो रजमिल शयातीन के लिए फेंकेंगे तो दिए। फिर तो हम जवाब देने के पाबंद हो यहाँ तो हो सकता किसी और अमूरे तबिया के लिए फल्की नजम के तहत किसी और मकसद के लिए फेंक फेंक रहे हो और यहाँ पर शयातीन को मारना मकसद ना हो बिल्कुल ये भी तो पॉसिबिलिटी मौजूद है बिल्कुल या जब ये एतमाल मौजूद है तो ऐतराज खत्म हो गया और तीसरी बात ये कहना कि रमजान में तो शैतान बंद हो जाते हैं फिर क्यों फेंकते हैं तो मैंने बताया कोई और मकसद के लिए फिकते हो एक बात और दूसरी बात यह कि वो रमजान में जो शैतान बंद होते हैं उसमें नबी पाक सलोली ने अल्फाज इस्तेमाल किया मार्दोत् तो शयातीन मारदोत्शयातिन तो का बस सरकश हाँ। बड़े माह किस्म के जो शैतान है सरकश शयातीन कैद किए जाते हैं अच्छा। छोटे मोटे नहीं किए जाते अच्छा। ये छोटे मोटे कोई शरारत के लिए आसमान के चढ़ते हैं खबरें ले तो उनको वो सितारे पढ़ते हैं अच्छा ये सरकश शयातीन बंद किए जाते हैं छोटे मोटे बंद नहीं किए जाते यही वजह है कि रमज़ान में ये भी तो लोग एतराज़ करते जी रमज़ान में शैतान बंद हो जाते हैं फिर हमसे गुनाह क्यों हो गया बिल्कुल तो वह मौलमा ये कहते हैं कि यार तो, तो ये गुनाह क्यों हो गया वो मर्द तो तो शयातीन बंद होते हैं ये छोटे मोटे शतुंगड़े बंद नहीं होते और तू छोटे शतुंगड़े के हत्या चढ़ गया है क्योंकि तेरी रिश्तेदार इतनी है शतुंगड़ा भी काफ़ी है या जो कसाई जो है ना वो नमाजें पढ़ के आता था बेचारा जो नमाज पढ़ के एक भैंस मर जाए दूसरी नमाज पढ़ी दूसरी भैंस मर गई तीसरी नमाज तीसरी और कहा अल्लाह भैया ये क्या मुसीबत है खुदा से शिग्शा शुरू कर दी या अल्लाह जब से नमाजें शुरू की ये क्या भैंसे मरना शुरू हो गई है हाँ। इधर उसके लेला खड़ा था भेड़ का बच्चा वह बे बे किए जा रहा है इधर है तो वो वो अल्लाह से बात कर रही था बह बह कर डिस्टर्ब हो रहा है तो मुंह मोड़ के कहता अब साल तू तो वजू का भी नहीं है वो बहस तो पूरी नमाज लेती है नमाज पढ़ने के बाद मरती है तो अल्लाह से बात शिकायत करो बीच में बह बह कर रहा है रजिस्टर साहब तू तो वजू तो 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 का भी नहीं तो वजू करो का टाइम हो जाएगा तो वही बात है तो जो रमजान में गुना करते हैं तो वही बात है अब तू तो, तो शतुंगड़े का भी नहीं है शतुंगड़ा भी तुझे काफी है अब बड़ा सर शैतान तो जुनेद बदादी के पास ही आएगा तेरे पास क्यों आएगा तू तो ऐसे ही है तो वही वाली बात है तो वो छोटे छोटे टुकड़े वो फिर कोई शरारत भी ऊपर जाते हो वो उनको वो रजमल्य शयातीन होता उनको वो रजम किया जाए उनको मारे जाते हैं इसलिए इसमें कोई तारुज नहीं है तो बिल्कुल हदीस अपनी जगह दुरुस्त है और आयत के अंदर जो बताया है वो अपनी जगह दुरुस्त है बहुत शुक्रिया सर बहुत अच्छी वजहत हो गई थैंक यू अभी हमारे सेगमेंट का भी वक्त खत्म हो जाता है ठीक है